तुम्हारा जी दोस्तों क्या हाल चाल, एकदम मस्त। तो भाई वन प्लस अपनी एस सीरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है भाई साहब। नाम भी सामने आ चुकी है, नाम है वन प्लस एस थ्री। जी हाँ, इस नाम से लॉन्च होगी, लेकिन इंडिया में नहीं, ये होगा चाइना में। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इंडिया में लॉन्च होगी? जी हाँ, इंडिया में भी लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा 90% बताया जा रहा है कि वन प्लस 12R के नाम से ये इंडिया में देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये प्रिडिक्शन है, चेंजेस भी हो सकते हैं। 90% चांस बताया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं सच है। और आगे देख लीजिएगा, जितने भी बड़े क्रिएटर है ना यही बोलने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन सवाल है कि कब तक आएगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि चाइना में ना ये लास्ट अक्टूबर या फिर मिड नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगी, फरवरी के आसपास। वैसे इसमें कुछ डिटेल सामने आएगा, आपका भाई बैठा हुआ अपडेट कर देगा, ट्विटर पे अपडेट करता है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन भाई साहब ऑन लीक्स की तरफ से इसकी डिजाइन सामने आ गई है कि किस तरह देखने में हो सकता है, दिखने में कैसा होगा और माल मसाला क्या होने वाला। और मैं ना बहुत खुश हूँ इसके कैमरा मॉड्यूल को लेकर कि इस बार वन प्लस ने जो मतलब मुझे जो मेरी इच्छा था ना, कुछ होना चाहिए था, वो चीज़ वहाँ देखने को मिल रही है। आप कभी समझ गए होंगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं भाई साहब क्या माल मसाला है, क्या बदलाव देखने को मिलने वाला है। जल्दी से भाई साहब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे हो खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं भाई साहब तभी तो हम हैं। तो चलिए देखते क्या खास होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बताया जा रहा है ग्लास बैक, एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ देखने को मिल सकती है। और फ्रंट में बताया जा रहा है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल सकती है। और इस फोन का वेट बताया जा रहा है कि अराउंड 200 ग्राम, थिकनेस 8.7 mm, साथ ही IP64 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट कर देगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा फोन का वेट तो नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए बिल्ड क्वालिटी तो भाई साहब शानदार लग रही है। चलिए डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो ऑन लिक्स के हिसाब से देखा जाए तो बैक साइड में वही टिपिकल डिजाइन, टॉप पर आपको सर्कुलर शेप में कैमरा हाउसिंग देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, सेंटर में वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। रही बात बॉडी टू रेशियो की, बताया जा रहा 90.3% देखने को मिलेगा, यानी कि वेजस तो भाई ना के बराबर है, चीन भी एकदम 35 देखने को मिलने वाली है। रही बात कलर्स की, तो कलर तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं मैंने पता किया अभी कुछ सोर्स से, बताया जा रहा है कि 3 कलर्स देखने को मिल सकती है, सिल्वर, ब्लैक और ग्रीन। देखते हैं कलर्स क्या होगा, कुछ अभी आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। लेकिन बात करें डिस्प्ले की, तो यहां मिलेगा 6.74 इंच की 1.5K 10 बिट का BOE OLED पैनल, 3200x1440 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:1 का स्पेक रेशियो, 525 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 1600 nits के आसपास की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 720 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+, वाइड वाइन L1। तो भाई साहब डिस्प्ले देखी जाए कहीं ना कहीं OnePlus 11 से तो मिलता जुलता नजर तो यहां हमें तो लग रहा है भाई साहब। 1.5K डिस्प्ले, नो बैड यार, अच्छा है। यहां पर 10 बिट का BOE OLED पैनल है, आंखों को सेफ रखेगा, यहां पर नया टेक्निक है, अच्छा है, कोई खराब नहीं है। 1 billion कलर है, कलर्स में कोई कमी है ही नहीं। यहां पर ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी देखने में सही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टच सैंपलिंग रेट का अच्छा दिया गया है, रिफ्रेश रेट के साथ कॉम्बिनेशन, यानी कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करेंगे, गेमिंग करेंगे तो स्मूथनेस भी नजर आने वाली है। कंटेंट का ज़ूम करते हैं तो Amazon और YouTube पे तो HDR10 पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन Netflix में शायद ही देखने को मिले, अभी कुछ अपडेट नहीं है। लेकिन बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस फोन को शक्ति देगी क्वालकॉम के तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, दमदार परफॉर्मेंस निकाल के देगा भाई साहब, प्रोसेसर कोई कमी नहीं है, 4 nanometer के फैब्रिकेशन में बनाया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी मस्त रहती है भाई साहब, हीटिंग असो काफी कम देखने को मिलता है, लार्जेस्ट वेपर चैम्बर कूलिंग का भी यहां सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, यानी कि फोन जो हीट बीट होती है चांसेस ना के बराबर है। एक नजर डाले इसके रॉ सीपीयू की तरफ, यहां मिलता है 1 Cortex X3 जो कि 3.2 GHz तक क्लॉक किया गया है, वही 2 Cortex A715 जो कि 2.8 GHz तक क्लॉक किया गया है, वही 2 Cortex A710 जो कि 2.8 GHz तक क्लॉक किया गया है, वही 3 Cortex A510 जो कि 2 GHz तक क्लॉक किया गया है। तो भाई साहब बटरी स्मूथ परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, गेमिंग आप 90 FPS तक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहां मिलता है एड्रीनो 740G के साथ ही LPDDR5 SRAM, UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलती है, रीड राइट की स्पीड तो भाई साहब जबरदस्त होने वाली है, गेमिंग शानदार कर सकते हैं। 5G बैंड की बात करें तो 9 5G बैंड देखने को मिलेगी। रही बात ऑनटू स्कोर की, तो 13 लाख के आसपास, देख 13 लाख तो टच कर ही जाती है भाई साहब, उसके ऊपर भी चली गई है इसकी स्कोर, तो दमदार परफॉर्मेंस निकाल के देगी, कोई शिकायत नहीं होने वाली है। अब बात करें कैमरास की, तो भाई साहब इस बार तो मैं खुश हूं ही,
ध्यान सुनिएगा, आप भी खुश जरूर होंगे। पहला है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ सोनी IMX890 सेंसर, वही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि ओमनी विजन सेंसर देखने को मिलेगा OV8D10 वाला, वही 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला सोनी IMX709 सेंसर के साथ 2x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट के साथ। तो इस बार टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा, कैमरा में कोई कमी नहीं होने वाली है, जहां से 8K 24fps, 4K 60fps, 1080 240fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यानी कि कैमरा तो क्वालिटी होने वाली है भाई साहब, टेलीफोटो लेंस यहां प्रोवाइड किया गया, फालतू में डेप्थ और मैक्रो देखने को नहीं मिलता है। बात कर रहे हैं आपके खूबसूरत चेहरे कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स बनाने के लिए 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया, जहां से 4K 1080 30fps रिकॉर्ड की जाती है। तो कैमरा इस बार तो शानदार देखने को मिलने वाली है। बात करें बैटरी की, तो बैटरी देखे ना, तो यहां दमदार बैटरी देखने को मिलने वाली है। 5000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी और चार्जर बॉक्स में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। बैकअप का शानदार निकालेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन बात करें सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की, तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर में सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, शटर पुटर, सारे सेंसर मिलेंगे, एनएफसी सपोर्ट सब मिलेंगे, कोई कमी नहीं रखी गई है। यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, डुअल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3.5mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलने वाली है। अब बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहां मिलेगा एंड्रॉइड 14 के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स, साथ ही ऑक्सीजन ओएस 14 देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाई साहब 25 सितंबर से रोल आउट कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब कि कंफर्म न्यूज है, यहां पर 14 देखने को मिलेगी। और रही बात पॉलिसी की, अभी कुछ अपडेट तो नहीं है, देखते हैं कितना पॉलिसी मिलने वाली है। लंबा पॉलिसी 3 साल का तो मिलना चाहिए, जैसा कुछ होगा बताऊंगा, लेकिन नीट एंड क्लीन ऑक्सीजन ओएस होती है। मैं खुद OnePlus Nord 3 यूज कर रहा हूं, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस शानदार मिलने वाली है। अब बात करें वेरिएंट्स की, वेरिएंट्स तो आपको यहां अच्छे खासे मिलेंगे, मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, 12+256, 16+256, 16+512 और 24+1TB, यानी कि भाई साहब 24GB रैम के सेगमेंट में ये भी एंट्री कर चुकी है यहाँ पर। हाँ, 8GB वाला जो वेरिएंट से मिलेगा नहीं मिलेगा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कोई टेंशन नहीं भाई, कैसा ही है, जैसे ही अपडेट आएगी आपका भाई बैठा हुआ है ट्विटर पे अपडेट कर देगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो वेरिएंट्स तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन 24GB किसको रिक्वायरमेंट है बताना कमेंट सेक्शन भाई, मुझे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई साहब। 12GB 16GB ज्यादा है कम नहीं है, 24GB किसको जरूरत है बताना कमेंट सेक्शन पे। लेकिन बात करें प्राइस की, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, 150 का टारगेट रखा हूं, पहुंचाइए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड फैमिली के साथ, वन प्लस लवर जो आपके फ्रेंड होंगे उनको जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल परिवार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन अकाउंट में आगे मत जाइए, कंटेंट क्वालिटी वीडियो यहां प्रोवाइड की जाती है। लेकिन बात करें प्राइस की, भाई साहब प्राइस सामने नहीं आई है, तो यहां पर कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगा, ये मैं आप पर सब कुछ छोड़ता हूं, बताएं कमेंट सेक्शन पे यहां पर कि जैसे बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस, कैमरा सब कुछ देखने के बाद आपके मन में क्या लग रहा है, क्या प्राइस पॉइंट हो सकती है बताएं कमेंट सेक्शन में, कमेंट किया कीजिए, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी लग जाता है, थोड़ा सा व्यूज में हेल्प हो जाता है, सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे चल के कई सारे अनबॉक्सिंग वीडियो भी लाने का मैं प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन सपोर्ट मिलेगा तभी हो पाएगा, सपोर्ट करिए, प्यार बरसाइए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।